अगर आपका चैनल सस्पेंड हो गया है एंड दिस सेक्शन इज नॉट अलाउड बता रहा है, सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ठीक कर सकते हो। ये जो लिखा आ रहा है दिस सेक्शन इज नॉट अलाउड, इसको आप कैसे रिकवर करवा सकते हो अपने चैनल को, तो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ, सो प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर चीज़ मैं बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं और फिर भी बोलते हैं हमारा चैनल रिकवर नहीं हुआ। तो भैया आप चैनल पे पहली बात आप चैनल को ध्यान से देखते नहीं हो, वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हो, तो आपको समझ में क्या आएगा? तो मेरा हर एक वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया प्लीज़, मेरे लिए इतनी से आप छोटी सी हेल्प कर दीजिए। आई होप कि मेरी दुआएं लगेगी आपको कि आपका चैनल भी है ना आराम से रिकवर हो जाएगा इस ट्रिक से। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं गूगल पर, ठीक है? आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, वन सेकेंड, आपको यहाँ पर सर्च करना है YouTube चैनल सस्पेंडेड, ठीक है? आपको ये सर्च कर लेना है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको चैनल और अकाउंट टर्मिनेट YouTube हेल्प, ये इस तरह का कुछ ऑप्शंस आएगा यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद आपको क्या है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, तब कुछ कहीं पर भी नहीं जाना, कम्युनिटी टैब पर बिल्कुल नहीं जाना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर इफ़ यू बिलीव दैट योर चैनल अकाउंट वाज टर्मिनेट बाय मिस्टेक यू कैन अपील यूजिंग दिस फॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर दिस फॉर्म लिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को जब चैनल सस्पेंड हो जाता है तो मेल पर उनको दिस फॉर्म का नज़र आता ही नहीं है, ठीक है? तो आप इस ट्रिक से आप ये इस फॉर्म से आप उसको अपने चैनल को रिकवर करवा सकते हो, ठीक है? तो इस तरह का आपको फॉर्म आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका यूआईएल नाम वगैरह लिखना है, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम क्या है भाई? शीनू, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी लिखना है, ईमेल एड्रेस, यूर सिंगिंग यूट्यूब चैनल, जिस मेल से आप अपने चैनल को सिंगिंग करते हो वही मेल आपको यहाँ पर लिखना है। एंड यहाँ पर वो आपकी मेल लिखना है जिससे आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, जिससे आपका चैनल से आपके आपसे कॉन्टेक्ट किया जाए, वो वाली मेल यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पर आपको अपना चैनल का यूआरएल लिख देना है, कोई भी अपने चैनल का यूआरएल, ठीक है? एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो आपके आपने जो गलती की है एंड जिस तरह से जैसे कि आपने माने कि आपने भी आपके आपकी मिस्टेक हुई है, आपकी छोटी एक चैनल को आपने एक वीडियो को दोबारा यूज़ किया, उसकी वजह से आपका चैनल सस्पेंड हो गया, जो अधिकतर इसी कारण से चैनल सस्पेंड हो रहा है। सो इस तरह से अगर आपका चैनल सस्पेंड हुआ तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सर मेरा जो चैनल, इंग्लिश में लिखना है, मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखना है कि सर मेरा जो चैनल है, मैंने अपने वीडियो पर इस तारीख को मैंने जो है अपना एक वीडियो ऑलरेडी था और वही वीडियो मैंने दोबारा यूज़ किया था सर, उसकी वजह से मेरा चैनल जो है सस्पेंड हो गया है। सर मेरे चैनल पर इतने सब्सक्राइबर थे, 10,000, 50,000, 1,00,000 या फिर 1,000 सब्सक्राइबर थे। सो प्लीज़ सर, मैंने बहुत मेहनत से इतने सब्सक्राइबर जो है की है और 1.5 साल से मैं इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, देन मुझे इस YouTube चैनल के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी और बाय मिस्टेक में से मुझसे गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, प्लीज़ आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप रिकवर करें, मैं दोबारा से कोई भी गलती नहीं करूँगा। आप इंग्लिश में पूरा लिख देना, ठीक है? सो ये सब लिखने के बाद आपको लास्ट में आपका चैनल का URL भी देना है, या फिर हाँ आप URL दे सकते हो अपने चैनल का URL, ठीक है? और आप यहाँ पर ये सब लिखने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद 24 घंटे के बाद आपको रिप्लाई आएगा आपकी मेल पर, ठीक है? आप अपनी मेल चेक करना 24 घंटे के बाद, तो आपको क्या रिप्लाई आता है वो मुझे बताना, ठीक है? इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, या मैं इस अपने चैनल पर लाइव भी आता हूँ, कभी कभी लाइव आता हूँ जब फ्री रहता हूँ, तो मैं जब भी लाइव आऊँगा आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करूँगा, आपसे ज़रूर बात करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे मैं जब भी लाइव आऊँगा आपसे कॉन्टेक्ट हो जाए, आपसे बात हो जाए, ठीक है? तो कोई भी गिला शिकवा हो कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेक्निकल से रिलेटिव एंड कुछ अलग से भी वीडियो लेके आऊँगा।